उज्जैन रोड पर लगातार हो रही दुर्घटनाओं को लेकर वार्ड क्रमांक 9 के पार्षद दीपेश कानूनगो के नेतृत्व में पार्षद प्रतिनिधि राहुल पवार एवं पार्षद प्रतिनिधि प्यारे पठान के साथ आकर डीएसपी किरण शर्मा से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि लगातार यहां पर जिस प्रकार दुर्घटनाएं हो रही हैं, यहां पर दुर्घटनाओं से बचाव के लिए यातायात पुलिस के जवानों को यहां पर ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए खड़ा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि उज्जैन रोड से लेकर नागूखेड़ी तक इटावा का पूरा क्षेत्र जो है, यहाँ पर काफ़ी ट्रैफिक का दबाव रहता है। इस दबाव कम को करने के लिए यहाँ पर उन्हें पुलिस की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना चाहिए। इससे अभी पूछे आप, क्या कुछ आपकी चर्चा हुई है और किस सिलसिले में आप यहाँ पे आए? आज हम यहाँ पर जो नियमित रूप से जो सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं उज्जैन रोड से लेकर के नागूखेड़ी तक, उसके लिए यहाँ पर हम यहाँ पर किरण शर्मा जी से मिलने आए थे। हमारा मुख्य उद्देश्य यही था उनसे मिलने का कि आपने देखा होगा कि विगत 2-3 महीनों में हमारे इटावा क्षेत्र में उज्जैन रोड पर ब्रिज पर 4-5 मौतें हो गई हैं। हम आज सर से यह आग्रह करने आए थे कि आप अपनी यातायात व्यवस्था को सुधारें, जिससे कि जो मौतें हो चुकी हैं, मतलब वो उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, पर आगे जो कुछ घटना है वो नहीं घटे, हम उसके लिए आज मिलने आए थे यहाँ पर। और हमारा दूसरा विषय यह भी था कि जब वहाँ पर स्कूल है, कॉन्वेंट स्कूल है, वो जब उसकी छुट्टी होती है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा यातायात का दबाव बढ़ जाता है, जिसके कारण कि वहाँ पर यातायात अवरुद्ध होता है, छोटी मोटी दुर्घटनाएँ होती है। तो हमने उनके संज्ञान में वो भी डाला कि उस समय आप वहाँ पर अपनी टीम को वहाँ पर लगाएँ और वहाँ पर नियमित रूप से कोई ट्रैफिक 2 जवान रहे, जिससे कि यातायात पूरी तरह से सुचारू रूप से चल सके। कोई आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के बारे में? हाँ, आज हमारे राहुल पवार जी ने अभी भी हम आपके यहाँ संज्ञान में सर को दिया है कि जो आजकल बीमा चौराहे पर आपने देखा होगा, अभी फुटेज भी आए थे, उसमें वहाँ पर छोटे छोटे नाबालिग बच्चे चाकूबाजी की घटनाएं कर रहे हैं, मीडिया सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं। हमने सर को संज्ञान में दिया है कि वो ऐसी कार्रवाई को दूर कराए। क्या कुछ आश्वासन मिला? हमको ये आश्वासन मिला है उनकी तरफ से कि जो उस बसों की अंधाधुन जो गति से जाते हैं उस पर वो अंकुश लगाएंगे। भारी वाहनों का उन्होंने बात करी है कि वो आगे करेंगे, जिससे जो रेक लगती है उसमें कुछ परिवर्तन किया जा सके। और हम आज ये सब आए हैं, यह वार्ड क्रमांक 9, 10, 6, 7 के रहवासी लोग आए हैं, हम सब ने आग्रह किया है और हम आज ये प्रशासन को चेताना भी चाहते हैं कि आगे से कुछ भी छोटी मोटी कोई भी दुर्घटना होती है तो उसके जिम्मेदार प्रशासन रहेगा और हम उसके लिए उग्र आंदोलन करने के लिए तैयार है। आपका परिचय? दीपेश कानूनगो पार्षद, वार्ड क्रमांक 9।